तो आज हम बात करेंगे कि झूठे केस की गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए। ओके, सरल शब्दों में कहें तो अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया है, यानी कि किसी ने झूठा केस मर्डर का कर दिया, रेप का कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे आपको लगे कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, ओके, तो ऐसे केस में आपके बचने के कैसे आप बच सकते हो, कैसे आप अपने आप को रिलीफ दे सकते हो। तो जनरली क्या होता है कि बस इस चीज़ के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो केस है वो झूठा होना चाहिए। सपोज़ आपने देखा होगा झूठा रेप केस होता है, तो वो वाला मैंने कि असली में झूठा होना चाहिए, ये नहीं कि आप सब केस में यही अप्लाई कर रहे हो, वो असली में तब भी आप सोच रहे हो कि देख लेते हैं कुछ हो जाए तो। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तब अप्लाई होगा जब वो केस बिल्कुल झूठा है और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि ये केस झूठा है। तो सबसे पहले सपोज़ आपके खिलाफ कोई रेप केस हुआ या फिर कोई भी झूठे केस की गिरफ्तारी होने वाली और आपको पता है कि भाई आपको किस कहीं से खबर मिल जाती है, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है बचने के लिए। तो पहला स्टेप है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है एडवांस और बेल का मतलब होता है बेल, आपको पता ही है। तो एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 438 ऑफ CRPC, इसमें क्या होता है आपको एडवोकेट से कॉन्टैक्ट करना है और वो आपको गिरफ्तारी होने से पहले ही आपको बेल दे देगा, तो फिर जो पुलिस है वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास एंटिसिपेटरी बेल है। हालांकि जनरली क्या होता है कि सपोज आपको गिरफ्तार कर लिया फिर आप बेल लोगे, तो उससे अच्छा है कि आप एंटिसिपेटरी बेल पहले ही ले लो जिससे कि आपकी गिरफ्तारी हो ही ना। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर सपोज आपको लगता है कि भी आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई हो रही है या फिर झूठी FIR दर्ज कर ली गई है, तो आपने अपने कंसर्न्ड हाई कोर्ट में, ओके, अगर आप यूपी में हो तो यूपी का जो हाई कोर्ट है उसमें, हरियाणा में तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसमें 482 ऑफ CRPC लगानी है। ओके, अब जनरली अब लोग सोचते हैं कि क्या ये सच में ही होता है या नहीं होता, तो देखो ये डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको एंटिसिपेटरी बिल दे ही दे, वो उसकी ऑप्शन है, उसको लगता है कि भाई मामला झूठा है, उसको आप लगते हो कि भाई आप सच बोल रहे हो तब तो वो दे देगी, अदरवाइज कोर्ट को लगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है। सिमिलरली हाई कोर्ट में भी होता है, अगर उसको लगता है कि भाई ये कार्रवाई से बचने के लिए बस ऐसे ही डाल रहा है टाइम वेस्ट करने के लिए, तो वो रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सच बोल रहा है और इसको नॉलेज है, तो वो प्रोवाइड भी कर सकती है। ओके, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखो, यानी कि आपको बिल्कुल पक्का हो कि आपने ये क्राइम नहीं किया तब आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा। ओके, ये तो हो गई जनरल बात, अब हम फैक्चुअल बात कर लेते हैं। तो जो एंटिसिपेटरी बेल है ना वो यूपी में अप्लाई नहीं होती। ओके, यानी कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते तो आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। तो अब हम बात करेंगे कि इसके एग्जांपल, तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनकी अरेस्ट होती है यानी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो एंटिसिपेटरी बेल ही लगाते हैं एडवांस में ही अपने आप को बेल लेने के लिए, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए। ओके, सो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो डोंट डू एंटिसिपेटरी बेल, ओके, फॉरगेट अबाउट इट, आपको मिलनी ही नहीं है। ओके, अब ऐसा क्यों है वो भाई है ये रूल है तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं है यूपी में। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर।